breaking news. थाना बारादरी क्षेत्र के हजापुर में महिला की गला रेत कर हत्या कर दी गई, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की सूचना पर फिंगरप्रिंट्स, डॉग स्क्वाड टीम व बारादरी पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। थाना बारादरी क्षेत्र के हजापुर में 35 वर्षीय आसमा अपने पति शमीम के साथ रहती थी। बुधवार को आसमा की किसी अज्ञात लोगों ने धारदार हथियारों से हत्या कर दी। घटना की सूचना से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। लोगों ने तुरंत ही इसकी सूचना बारादरी पुलिस को दी। मौके पर पहुंचकर पुलिस छानबीन में जुटी है, साथ ही पूछताछ। कब की घटना है, क्या हुआ, पूरा बात बताइए। टाइम डेढ़ बजे का टाइम, तो यहाँ से बच्चा ऑटो में जा रहा था, तो सिस्टम हम लोगों ने देखा हुआ टंकी खुल रही थी, वहाँ बैठे सिस्टम हमने बच्चे को देखा, वहाँ टंकी क्या होगा बोला के खाला की उसी ने कतल पाई थी। तो हमने जब हमने यहाँ पे आके देखा तो यहाँ पे पता चला कि भैया भाई अंदर थे। उन्होंने जब मैंने उनकी हालत देखी, जब देखने के बाद में वो बोले कि ऐसा 100 नंबर को पुलिस फ़ोन कर दो, तो मैंने फ़ोन करा, सिस्टम फ़ोन करा, तो वो इसी में भीड़ सब चालू। जब मैंने उनको देखा तो यहाँ पे ये कर रहे थी ये बेटा चल और मर चुकी। उनके पति जो करते हैं, पति सब्जी बेचते हैं, आलू प्याज अच्छी पति का उस टाइम घर नहीं थे, जिस टाइम हम आए तो घर नहीं थे। चल बेटा क्या हुआ ये? कल उबारे थे बेड, मैंने उन्हें बताया तो वो चीज तो वे अंदर गए थे, मैंने बस इतना ही बताया। जब मैं अपने मम्मी को बुला के ले गया था। तुम क्या पूरा मामला बता दी? ये थाना बारादरी क्षेत्र में हजियापुर इलाका है, यहाँ पे आज सूचना मिली थी कि एक औरत का मर्डर हो गया है। सूचना डायलमेंट के माध्यम से तो मृतिका का नाम आसमा है, ये वाइफ है शमीम की, और इस औरत की उम्र लगभग 34 साल है। उल्लेखनीय बात यह है कि ये शमीम की दूसरी बीवी है, उसकी पहली बीवी राजदा है जो उसके घर के जस्ट बगल में रहती है। मर्डर में हमने देखा है कि जो उसके गले में एक धारदार हथियार से चोट चली गई है और चोट का निशान है, जिस वजह से इसकी हत्या हो गई है। अब इसमें सारे तथ्य देखे जा रहे हैं और जल्द इसमें जो भी मुलजिम पकड़ा जाए। सर हत्या की वजह पता चला? अभी इसका कोई डायरेक्ट मोटिव नहीं मिला, पर अभी सभी से पूछताछ करेंगे, जितने घर वाले हैं, पति है, पत्नी है, दूसरी बीवी है, उसके बाद किसी इसका मोटिव नहीं जाना। क्या पति को हिरासत में? अभी पति को पूछताछ के लिए गया।